आपके कोई मिनिस्टर्स आते थे, हेड ऑफ स्टेट्स आते थे, जो बड़ी तादाद होती थी आपके, तो जब आने के बाद जो ये जगह कमरा है ना, काफी नहीं होता था, तो ये दरवाजा खोल लेते थे और कुछ कुर्सी ला के यहाँ पर रखकर बैठते थे और पूरे हफ्ते अपनी कालीन बिछा दिया जाता था, लोग आके जमीन पे पूरे बैठते थे। और ईरान की कैबिनेट जब आती थी, यानी सबने जो मूल वजीर आजम और पूरे मिनिस्टर तकरीबन 30-40 लोग होते थे, वाजे बात है 30-40 लोग तो बैठ नहीं सकते थे, तो आपके कुर्सी ला के यहाँ रखते थे और कालीन बिछा के पूरे लोग जमीन पे बैठते थे और तकरीर होती थी। और यहाँ पर जो है ना, कई सदर आपके बनी सदर है, उसके बाद में आपके रजा शहीद रजाई है, फिर बाद में खुद आयतुल्लाह खाम नहीं है, फिर बाद में आगा हाशमी आपके आयतुल्लाह खाम, ये चार सदर जो है उनका हलफ यहीं पर उनको मिला, यानी गालिम भी उसी जमाने की अच्छा। पूरा कोई चीज को हाथ नहीं लगा। मासूमा सलामुल्लाह के मजार से मुतसिल एक बहुत बड़ा मदरसा है, आज भी बहुत बड़ा मदरसा है, का सुबह बड़ा मदरसा मदरसे फैजिया है, तो आशूरा का दिन था, असर आशूर ऐलान किया, ऐलान करते हुए कहा कि मैं अहम तरीन तकरीर करना चाह रहा हूँ अपने ईरान के मौजूदा हालात के बारे में, और उन्होंने तकरीर का आगाज किया और पूरे ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल थी, किस तरह से ईरान को लूटा जा रहा है, किस तरह से ईरान अमेरिका का गुलाम हो चुका है, और मुस्तकबिल में अमेरिका ईरान में क्या चाहता है यहाँ पर करें, और किस तरह से ईरान को तबाह ताराज किया जा रहा है, वो तमाम तफसील से इन्होंने बातें यहाँ पर की। और इसके फौरी बाद जब वो आयतुल्लाह खुमैनी जब घर अपने पहुंचे तो सिरात उनको गिरफ्तार करके आपके तेहरान से मरहूम से ईरानी फौजी मैंने कहा ना रस्ते में उनसे कहा कि आपके चाहने वाले कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि मेरे चाहने वाले माँ के गोदों में दूध पी रहे। ये इसी रात का वाक़ था, रात में हमला करके आयतुल्लाह खुमैनी ने घर से गिरफ्तार कर जिंदा ने खसर है, वो जिंदा ने खसर में उनको 11 महीने उनको कैद में रखा था, जिसमें खुद आयतुल्लाह उस्मान नजफी मरेशी भी आयतुल्लाह खुमैनी से आके मुलाकात कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद फिर उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी ने दोबारा एक तकरीर फरमाई कैपिटुलेशन माहदे के खिलाफ, अमेरिका के साथ हुआ था, उसके बाद दोबारा आयतुल्लाह खुमैनी को दोबारा गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया गया 1964 के एंड में, चार नवंबर 1964 में इनको गिरफ्तार करके आपके तेहरान लिया गया, तेहरान से उनके फौजी तैयारी बिठा के उनको इस्तंबुल भेजा गया, फिर इस्तंबुल से बुरसा बोल के एक छोटा शहर है वहाँ पर एक घर में ले आकर उनको कैद रखा गया। तकरीबन 1 साल तक वो वहाँ पर वो कैद में रहे, फिर आयतुल्लाह मोहसिन हकीम जो रचब अशरफ के बहुत बड़े आलिम हकीम थे और अपने ज़माने के आलिम दौरान थे, उन्होंने शाह को खत लिखा और बाकायदा खत को पूरे प्रेस में लेके आया और कहा कि अगर आयतुल्लाह खुमैनी को नजफ अगर ना भेजा जाए तो मैं शाह के खिलाफ जहाद का ऐलान करूँगा, और तमाम मुसलमानों ने दुनिया से आपके शाह के खिलाफ जंग करने और जहाद करने का मैं मुतालबा करूँगा। उसे वो खौफ खा के फौरन कहता है कि आयतुल्लाह खुमैनी को फिर इस्तंबुल लाया जाता है, फिर इस्तंबुल पिछले में बिठा के उनको बगदाद भेजा जाता है, और बगदाद एयरपोर्ट पर खुद आयतुल्लाह मोहसिन हकीम और नजफ के पूरे उलमा तकरीबन उस दौर में कई हजार उलमा आते हैं और आयतुल्लाह खुमैनी को बगदाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करते हैं और उनकी इज्जत के साथ वहाँ नजफ अशरफ ले जाते हैं, और नजफ अशरफ में 12 साल आयतुल्लाह खुमैनी ने वहाँ पर जिंदगी बसर की और वहाँ पर दरस खारिज के सिलसिले को उन्होंने जारी रखा। उनके बेटे हैं बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खुमैनी भी आपके आयतुल्लाह खुमैनी की जैसा वो आयतुल्लाह थे, दर्जे इश्तिहाद के फायज थे, दर्जे खारिज में शिरकत करते थे, बड़े मुफस्सिर कुरान भी थे और हौज़े इल्मे नजफ अशरफ में वो आयतुल्लाह को दर्ज भी दिया करते थे, और आज ईरान और इराक़ के बहुत बड़े जय्यद उलमा आपके शागिर्द हैं, अगर वो आज जिंदा रहते तो बहुत बड़े आज मरजे तखलीद होते, साहिब रिसाला भी होते, और आपके लिए तकरीबन कहा जा सकता है आज मराजे तखलीद इन शिया उलमा में उनको बहुत बड़ा मुकाम हासिल होता, लेकिन इमाम खुमैनी के इनकलाब इस्लामी के कामयाबी के फौरी बाद सवाक वालों ने आकर उनको जहर देकर उनको शहीद किया। ये इनकलाब इस्लामी के बाद जो उनको जो आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो कहते हैं आधार कार्ड, जो ईरान का आधार कार्ड को यहाँ अपने शिनासनामा कहा जाता है, ये आयतुल्लाह खुमैनी को भी शिनासनामा दिया गया था, ये शिनासनामा है संदिया, और ये भी आयतुल्लाह खुमैनी का अपने उनके उनकी असा है, उनकी चप्पल है, और उनका जो कोट है जो पहनते थे, और ये और आपके ये चश्मा है, तस्बीह है, इतर हाँ इतर भी वो इस्तेमाल ये जो इतर इस्तेमाल करते थे, ये तमाम चीजों को यहाँ पर रखा गया, ये उन्हीं की राइटिंग है, पूरा उनका दस्तखत है, ये पूरा जो ओरिजिनल उनकी हैंड राइटिंग है वो यहाँ पर महफूज किया गया। ये सब लेटर किन उनको लिखते थे, ये मुख्तलिफ खतूत जो है इंकलाब से पहले इंकलाब के बाद आए थे, यानी आप ईरान के लिए रवाना करते थे, क्योंकि जलावतन थे ना इराक में, ये जलावतन न्यूयॉर्क से
یا لوگوں کے سوالوں کے جوابات جو دیتے تھے اس میں ہاتھ دینے یہ پورے خطوط میں آیت اللہ خمینی کا خود دستخط اس میں موجود. یہ دیکھیے یہ سارا میں روح اللہ یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے خط ہیں, یہ ان کے پورے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں, یہ ہاتھ سے لکھا گیا, اس کا ٹائپنگ جو ہے بازو اس کا ٹائپ کر کے رکھا گیا لکھا لوگ سمجھنے کے لیے. اب یہ اوریجنل ان کا دستخط ہے, یہ اس کے بعد میں فارسی ٹائپ شدہ ادھر موجود ہے. رائٹنگ دیکھیے شکستہ آپ یہ پڑھنے میں دقت ہوگی لیکن اس کو آرام سے آپ اس کو فارسی میں ٹائپ میں پڑھ سکتے ہیں. یا انقلاب اسلامی کے دوران جو شہید ہوئے تھے وہیں پر آ کر انہوں نے وہاں پر آکل جا کر وہاں پر آ کے انہوں نے تقریر کی, وہ بھی ایک انقلاب تقریر کی. یہ آپ کے آغائے ناطق نوری ہیں جو بعد میں ایران کے ممبر اسپیکر آف پارلیمنٹ بنے, یہ آغائے ناطق نوری صاحب ابھی بھی ہیں. آغائے ڈاکٹر مفتی ہیں جو بعد میں بہت بڑے اسکالر تھے, بہت بڑے آپ کے اسلامک اسکالر تھے, جو انقلاب اسلامی کے فوری بعد جو ہے انہیں ٹیررسٹوں نے ان کو شہید کیا ہے, اور دیگر بھی آپ کے بڑے جید علماء ہیں. یہ بیٹے بیٹے اور یہ جو ہے آپ کے یہ بہت بڑے ماشاء اللہ انقلاب میں ان کا بہت بڑا نمایاں کردار ہے. جو جلوس جو نکلتے تھے وہ جو نعرے جو لگاتے تھے مین نعرہ جو ہے یہ لگاتے تھے اور لوگ ان کے نعرے میں ان کے ساتھ ان کا جواب دیتے. ان کا بھی تقریباً 10 سال پہلے انتقال ہوا ہے, اور یہ امام خمینی کے آمد پر یہ دو شہید کے دو بچے ہیں جو آ کے اپنے ترانہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ مہر آباد ایئرپورٹ پہ جو امام خمینی 1979 کے تشریف فرما ہوئے ان کا جو استقبال کیا اس کا ایک منظر ہے. اس گاڑی میں دیکھیے بیٹھے ایئرپورٹ سے لایا گیا ان کو مہر آباد ایئرپورٹ سے. اور یہ دیکھیے یہ علوی اسکول, جب 1 جنوری 1979 کو آیت اللہ خمینی جب تہران تشریف لائے تو انہوں نے علوی اسکول میں انہوں نے قیام کیا اور لوگ جو ہے مسلسل ان سے ملنے آتے. یہ جو ہے آیت اللہ ریح شہری ہیں جو کل ہم جو درگاہ گئے تھے حضرت شاہ عبد العظیم کی, اس کے متولی بھی ہیں اور قرآن حدیث یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں. ابھی بھی بقید حیات ہے, بہت بڑے حدیث کے علم حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں. اور یہ علوی اسکول کا منظر ہے کہ ایران کی ایئر فورس کے پائلٹس ہیں جو آ کے انہوں نے آپ کے شاہ سے بغاوت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم شاہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں, اور ان کو آرڈر دیا گیا تھا, انہیں ایران کی ایئر فورس کو آرڈر دیا گیا تھا کہ مدرسے علوی پر وہ بمباری کریں, اور جہاں جہاں پر آپ کے پورے ایران بھر میں جہاں پر جو آپ کے انقلابی لوگ جو یہاں پر جمع تھے جن کے ہیڈ کوارٹر تھے انقلاب کی وہاں سے رہبری ہو رہی تھی, وہ پورے ٹارگیٹس پہ انہوں نے ایئر ریڈ کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا. اور اس کی آپ کے ایئر فورس پائلٹس نے اس کی مخالفت کی, کہا کہ ہمیں یہ کام ہم انجام نہیں دیں گے, اور برخلاف وہ آ کر یہاں پر آیت اللہ خمینی کے پاس آئے اور آیت اللہ خمینی کو سلامی دی اور کہا کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں اور آپ کی حکومت میں تعمیل کریں گے. اور جب یہ واپس لوٹ کے اپنے ایئر فورس بیسز کو گئے ہیں تو ایران کے جو آپ کے جو امپیریل گارڈ جو تھے اور آپ کے سی آئی اے کی جو ایجنٹ جو یہاں پر موجود تھے اور موساد سی آئی اے اور تمام جو جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے ان پر حملہ کیا اور ان پر ان کے ساتھ فائرنگ ہوئی, تو یہ لوگوں نے بھی ان پر بغاوت کی. بغاوت کرنے کے بعد عوام کو پتا چلا تو عوام بھی اس پر آ کے داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کے اسلحہ جو تھا اسلحے کے گودام جو کھول دیے گئے, عوام کے ہاتھ میں اسلحہ آتی, انہوں نے ایک دن کے اندر حکومت کا تختہ الٹ دیا. اور یہ واقعہ 10 فروری 1979 کا ہے اور 11 فروری کو ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. یہ آپ کے مہر آباد ایئرپورٹ میں آمد کے بعد یہ آپ کے امام خمینی مہر آباد ایئرپورٹ میں خطاب فرما رہے ہیں. یہ مہر آباد ایئرپورٹ کی فوٹو ہے, ان کے بیٹے آغا احمد خمینی ہیں. یہ بھی مہر آباد ایئرپورٹ میں جب ایئر فرانس سے تشریف آئے تھے اترنے کے بعد گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کی فوٹو ہے. ان کے ساتھ اور بھی لوگ آئے تھے کہ مطلب کافی پورے فرانس گئے تھے نا, انقلاب کے جتنے ماننے والے تھے فرانس گئے, اور پورے پلین میں جو ہیں پورے انقلاب کے ماننے والے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ وہاں سے جو جلاوطن ہو چکے تھے, وہ ایران میں رہتے تھے, ان کو قتل کیا گیا شاہ کے طور سے. اب یہ دیکھیے آپ وہ اپنے سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں. آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ہیں, یہ بہت بڑے اسکالر تھے جن کو بھی انقلاب اسلامی کے فوری بعد ان کو بھی شہید کیا گیا. انقلاب کے یاد آئیے گئے, انقلاب کے دوران بھی تصویریں کہ ایران کے شاہ کے جو شاہ کی فوج کے سپاہی بھی آپ کے انقلاب کے ساتھ آ کے مل چکے ہیں. یہ خون کا ہے, یہ خون کی تصویر ہے جب امام خمینی جب آپ کے انقلاب اسلامی کے کام وہ پتہ نہیں, یہ خون کی تصویر ہے کہ امام خمینی اپنے ان کا خون کا گھر ہے اور گھر کے سامنے بڑا بہت بڑا گراؤنڈ ہے, وہاں پر لوگ آ کے ان سے ملاقات خون میں ملاقات کرنے آتے ہیں. یہ خون کا ہے, ان کا گھر ہے, یہ گھر کے گلی ہے, گلی میں لوگ آ کے ان کو دیدار کرتے تھے. زیادہ لیڈیز مل رہے ہوں گے, لیڈیز آئے ہوں گے, لیڈیز کو مرد ہے تو مرد کو ہٹا کے پھر عورتوں کو موقع دیا گیا عورتوں کو آنے کے لیے. یہ بھی انقلاب کی کامیابی کے بعد کا منظر ہے. یہ دیکھیے
ईरान का ट्रेडिशनल टाइल है, ये टाइल है ना, ये टाइल से बनाया गया है, पूरा मोह पूरा खालिश टाइल है, टाइल में देखिए तस्वीर बनाई गई है। ये जो है आपके ये काम जो आप मुलाहजा कर रहे हैं ये सिर्फ ईरान में ही बनता है, ये किसको दुनिया में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। यहाँ से वहाँ भी जा सकती है बराबर जा सकते हैं, आप ऑर्डर देखिए यहाँ बना के प्लेस कर सकते हैं। देखिए आयतुल्लाह खुमैनी का घर यहाँ बैठे थे बाजू पे, यहाँ पे ये कुर्सी थी, ये बैठे थे, ये आगे हाशमी रफसंजानी है और ये देखिए हाशमी रफसंजानी और अहमद खुमैनी खुसूसी मुलाकात के लिए उसकी फोटो है। ये देखिए OIC का डेलीगेशन है, आपके एम्बेसी मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स हैं जो आपके आयतुल्लाह खुमैनी से मिलने आते हैं, उसी कमरे में आके इस तरह से आयतुल्लाह खुमैनी से मुलाकात करते थे। ये देखिए तरीका था, ये आयतुल्ला बहिश्ती जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इरान का, ये बैठे हैं इधर तकरीबन शागिर्द होते थे ये इमाम खुमैनी के, जितने भी मूवमेंट में आगे बढ़ाई है मूवमेंट तकरीबन इमाम खुमैनी के सब शागिर्द होते हैं। आयतुल्ला खामनी बाजू बैठे हैं, देखिए आयतुल्ला खामनी है ये बाजू में बैठे हैं, आयतुल्ला बहिश्ती जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और ईरान की आपके जो कंसल्टेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे जो दस्तूर साजी असेंबली कहा जाता है इसके चेयरमैन भी थे और खुद बड़े आयतुल्ला भी थे, और इंकलाब इस्लामी के बाद ईरान के आपके सुप्रीम कोर्ट के ये पहले चीफ जस्टिस भी रहे, उनको भी शहीद किया गया। और ये नजफ अशरफ की फोटो है, नहीं खुम आने के बाद ये 1979 को पहली मरतबा जब खुम तशरीफ लाए हैं, जो हजरत मासूमा की जियारत के लिए तशरीफ ले गए, तो ये वो तस्वीर तारीखी तस्वीर ली गई है। ये भी आपके बिशप कापूची, ये बिशप कापूची है सिप्रस के, ईसाइयों के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के बड़े लीडर हैं, वो आयतुल्लाह खुमैनी से मुलाकात के लिए आए थे और हुसैन जमारान में उनकी मुलाकात का एक मंजर है। ये देखिए इधर शहीद रजाई ये थे, वो जो हम भारे वो है ना जहाँ बैठे थे वहाँ का ये सीढ़ी, देखिये अहमद खुमैनी कैसे मसल नीचे बैठे हैं, सदर आके मुलाकात कर रहे हैं उनसे, सदर ऊपर बिठाया है कुर्सी पर, ईरान के सदर हैं वो, जो बताइए आप ईरान के सदर मम्लिकत है, आगे आयतुल्लाह अपने आके आयतुल्लाह खुमैनी से मुलाकात कर रहे हैं। और आप मुलाहजा करें ये रेडियो जो है ना, ये रेडियो हमेशा आयतुल्लाह खामनी के पास होता था, वो जितने भी आयतुल्लाह खुमैनी के पास होता, जितने भी आपके रेडियो से जो खबरें जो दुश्मन के जानी चाहती थी, यानी BBC की तरफ से, वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से, या आपके रेडियो इसराइल की तरफ से, रेडियो इराक की तरफ से, जो मुसलसल खबरें जो झूठे खबरें जो बयान करते थे उसको वो खुद अपने तौर पर सुनते थे, ताकि ये भी पता चले कि दुश्मन भी क्या कह रहा है। देखिए ईरान की कैबिनेट है, आपके प्रेसिडेंट रजाई हैं और प्रेसिडेंट रजाई के कैबिनेट मेंबर्स हैं, ये आपके ईरान के वजीर आजम थे आपके डॉक्टर मोहम्मद जवाद बाहोनर, जो ईरान के बहुत बड़े जय्यद आलमदीन थे, बेहतरीन बहुत बड़े स्पीकर थे, मुखर्रिर थे और सुखनरान थे, और इनके वजीर आजम थे। देखिए सदर यहाँ बैठे हैं, आपके वजीर आजम यहाँ बैठे, ये तो आयतुल्लाह खुमैनी के प्रजेंट है, बाकी के जितने अफराद आप देख रहे हैं ये सब के सब मिनिस्टर्स हैं। वो इसी हॉस्पिटल का जो आखिरी जिंदगी का आखिरी अय्याम है, ये अहमद खुमैनी है, ये हसन नहीं, ये हसन है, इनके बेटे दो ये अली खुमैनी है, जी जी ये तीनों ये हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये मेरे ख्याल से भांजे हैं, लेकिन ये अहमद हसन खुमैनी है इस वक्त, और ये उनके भाई हैं अली खुमैनी, अली हुसैन। ये आपके इंतकाल से पहले की तस्वीर नहीं है, ईरान की हिस्ट्री में कलाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली शख्सियत शहीद मुस्तफा चमरान, जो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, जिन्होंने यहाँ की जो पूरी सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले, IIT मैसाचुसेट्स जो अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ के वो वहाँ से उन्होंने PhD की थी टेक्नोलॉजी में, MIT से, और बाद में MIT मैसाचुसेट्स के वो PhD और हाँ फिजिक्स में वो प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में वो जब ईरान आए तो वहाँ ईरान से वो ईरान के हालात देखने के बाद वो लेबनान चले गए, लेबनान में इमाम मूसा सदर के साथ अल अमल जो तहरीक है इसके वो बानी है, सब किया गया ईटो वाला, इस तरह से वहां से आते हैं अंदर आ रहे हैं, और कुर्सी वही कुर्सी है जो कुर्सी को देख रहे हैं, कुर्सी वही, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। नीचे हाँ ये भी आपके फर्श इस पे बैठे हैं, वही फर्श भी बदला नहीं है। ये आपके जनरल फकूरी हैं, ये जनरल फकूरी हैं जो एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ थे, जो आपके जब पहली मरतबा जब ईरान इराक की जंग हुई तो आपके जब पहला जब ना 22 सितंबर 1980 को इराक ने जहरियत का इर्तिकाब किया तो ये आपके एयरफोर्स के कमांडर थे, उन्होंने 150 ईरान के जंगी तैयारे इराक के 50 टारगेट्स पे जाके एक साथ बमबारी करके आए, और मुसलसल चूंकि मुसलसल रोजाना 150 से 200 तक ईरान के जंगी तैयारे जो आपके फंक्शनल थे उस पर ईरान के आपके पायलट जाके इराक के हर कोने कोने पे जाके मिलिट्री टारगेट्स पर, ना कि पब्लिक के,
मिलिट्री टारगेट्स पर, उनके इंस्टॉलेशंस पर बमबारी करके लौटते थे ये। बाद में वो खुद इतने बड़े फौजी कमांडर, एयरफोर्स के कमांडर होने के बावजूद भी हमेशा डायरेक्ट वो हमलों में शिरकत करते थे, यानी आपके एयर रेड्स वो खुद जाकर अंजाम देते, और एक एक रेड में उनको शहीदी और शहादत भी उनको नसीबी है। एयरफोर्स के आपके आपके एयर मार्शल थे वो ईरान के। ये स्टैम्प्स हैं, आप मुलाहजा कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खमेनी के इंतकाल के बाद ये स्टैम्प्स को इनके आयतुल्लाह खमेनी के के आपके याद के या यादगार के तौर पर इनके कम्यूमरेटिव स्टैम्प्स से जो नशर किए गए हैं, कि आयतुल्लाह खमेनी के उनके बेटे सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खमेनी के हैं। हाँ ये हाँ इसी रिपोर्ट है, आखिरी फाइनल रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर को भी नहीं उतरने की इजाजत है। ये जो जनाजे इस हॉस्पिटल से लिया, हॉस्पिटल से फिर वो वहाँ वहीं पहुँचे? नहीं, मुसल्ला ले गया था, जो जामा मस्जिद देखी, जामा मस्जिद है ना, वहाँ दीदार के अवाम की दीदार के लिए वहाँ रखा गया। फिर मुसल्ला से भी जो है आपको जुलूस की शक्ल में ले आने की कोशिश की गई, नहीं हो सका, तो हेलीकॉप्टर से ले ये बहजते जहरा की तस्वीर। ये तामीर के बाद है, इसलिए ये जो आपके देख रहे हैं ये दमावन की चोटी है, ये आपके सरमा में है ना, तो दमावन पे देखिए पूरा पहाड़ बर्फ जमा है इसके ऊपर, ये दिखता है इमाम खुमैनी के मजार से, अगर आगे देखें तो ये दमावन दिखता है। ये हाईएस्ट पीक है ईरान की, हाँ ये 5500 मीटर अबाउट सी लेवल है, ये दमावन है।